सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ए गौतम यूट्यूब चैनल। सो गाइज मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं गौतम यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम 3D बॉल एनिमेशन सीखने वाले हैं। सो गाइज 3D बॉल एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमेशन होता है एनिमेशन के फील्ड में। सो गाइज आज का ये जो एनिमेशन 3D एनिमेशन होने वाला है, लाइक बॉल एनिमेशन होने वाला है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक में सिखाने वाला हूँ। और गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बॉल एनिमेशन का, वो ग्राफ को देख मतलब फोटोज़ वगैरह को देख के बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। सो गाइस ये है हमारा बॉल जिसके साथ हम एनिमेशन करने वाले हैं। और गाइस आपको मैं ऑलरेडी एक एनिमेशन दिखा दूँ कि एक सेटअप मैंने ऑलरेडी किया रखा हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी एक जो बॉल एनिमेशन किया रखा हूँ, तो आप यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। तो ये कुछ इस तरह का बॉल एनिमेशन होता है। और ये जो ग्राफ है एज इट इज़ ऐसे ही ग्राफ को हमको मेंटेन करके रखना होगा, तभी एक जाके परफेक्टली एक 3D बॉल एनिमेशन होगा। तो ऐसा ही ग्राफ को लेके हमें चलना होगा। और चलिए इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो की फ्रेम से हमें इसको पहले नोट डाउन कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो नीचे वाले की फ्रेम से यहाँ पे 7, 20, 37, तो फटाफट हमें यहाँ पे कुछ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बॉल एनिमेशन होता है, लाइक जो बॉल अगर कोई ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है और फिर नीचे फेंकने के बाद ये फिर से ऊपर की ओर जाता है, तो ये ऊपर की हो जाता है, तो धीरे धीरे इसकी जो गति और इसकी गति जो है कम होने लगती है। अगर एक जगह पे गिरे तो एक जगह पे रहता है, लेकिन अगर हम कोई फेंके तो यहाँ से लेके धीरे 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 ऐसे जाता है। तो इसका ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो ऐसे ही हमको ग्राफ बनाना है ऊपर और नीचे का और इसका। तो इसके हम ऊपर और नीचे का जो एनिमेशन होता है इसे हम Y ट्रांजेक्शन बोलते हैं और इसे हमें X बोलते हैं। तो पहले हम Y को लेके जाएंगे, उसके बाद हम X को, सेकेंडरी X आता है, उसके बाद जो रोटेशन होता है वो मेरी Z होता है। तो Z रोटेशन होता है, जो भी रोटेशन है रोटेशन होता है, ये हम Z एक्सिस बोलेंगे। तो ये आएगा थर्ड पॉइंट में। तो सबसे पहले हम Y एक्सिस का काम करेंगे, उसके बाद X एक्सिस का काम करेंगे, उसके बाद Z। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो कहाँ हमारा सेटअप में जाते हैं, कुछ इस तरह हमें पहले नोट डाउन कर लेना होगा कहाँ क्या है। 7, 20, 37। तो ये हम की फ्रेम्स है जो लैंडिंग पोजीशन के की फ्रेम्स है वहाँ पे 7, 20, 37, 20, 37, 43, 50, 56। सो फाइनली जो है ये 56 और ये जो ट्रांजेक्शन है लास्ट वाला वो 60 तक जाएगा। सो हार्डली हम 60 फ्रेम्स का जो है एनिमेशन हम बनाने वाले हैं। और ये जो बेसिकली 24 फ्रेम एनिमेशन है। सो चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये है हमारा मेन पेज, मेन माया, इसको हम एनिमेशन करने वाले हैं। तो ये जो बॉल का रिग है वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप माया में इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। सो पहले इसको हम लोग बोलते हैं सब मास्टर, और ये है इसको हम बोलते हैं मास्टर रिग और ये है सब मास्टर रिग। सो हमें मास्टर रिग को कुछ नहीं करना है, सब मास्टर से ही हमें करना है। तो सब मास्टर को मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर बॉल को हमें यहाँ पे ऊपर लेके चल जाना है वाई एक्सेस में। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ऐसे बनेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एस टैप करना है। एस दबाने से क्या होता है, ये एक की फ्रेम में बदल जाता है। आप यहाँ पे टाइम्स स्लाइडर में यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एक रेड कलर का लाइन बना चुका है जिसको हम की बोलते हैं। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ऑटो की जो ऑन रहना चाहिए ताकि हम जब भी कुछ यहाँ पे मूवमेंट करें ये ऑटोमेटिकली कीज ले ले। तो हमें 7 नंबर फ्रेम पे फिर से जाना है और इसको वाई एक्सिस को नीचे लेके चल जाना है ऐसे।
तो सेम ऐस यही वाला हमें कॉपी कर लेना है और कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ पे डाउन फ्रेम हमें चाहिए वहाँ वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे नोट डाउन किया था ऑलरेडी 7, 20, 37, 43, तो यहाँ पे 7 हो गया 20, 37, 43। 20 में जाएंगे पेस्ट, 37 43, 50, 56, then 50, 56 और यहाँ पे नॉर्मली। सो ये कुछ इस तरह का हमें डाउन पोजीशन यहाँ पे मिल गया। मिलने के बाद हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब पोजीशन के चाहिए। अब इसके मिडिल में हम अप पोजीशन को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ इतना ज़्यादा बड़ा वाला अप है, तो उससे हम थोड़ा सा छोटा हम लेंगे, बिल्कुल कुछ इस तरह का। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर अंदर आएगा, और इसके दोनों के बीच में हम और एक अप डालेंगे, और इन दोनों के बीच में ये फिर आया इसे थोड़ा इधर आया, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ पे अप। अब इस दोनों के बीच में और एक अप, अब इस दोनों के बीच में एक छोटा सा डाउन। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन हमें देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वाई ट्रांजेक्शन को लेके। हम सारे को हम म्यूट कर देते हैं, म्यूट ऑल, और सिर्फ इसको ही हम अनम्यूट करते हैं ताकि सिर्फ इसी चीज़ का एनिमेशन हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे हम प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। सो हम यहाँ पे ग्राफ चेक करते हैं, यहाँ पे मैं 60 ले रहा हूँ। तो ये नॉर्मली 60 रख रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ चेक करेंगे कि इसमें ग्राफ में कैसा डिज़ाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है और इसको हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो भी ये सारे एक्स्ट्रा एनिमेशन है सिर्फ वाई को छोड़ के, ये सारे हमें डिलीट कर देना है। ऐसे सिर्फ हमें वाई का एनिमेशन जो है यहाँ पे करना है। तो हम फिर एफ प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, और हमें इसको क्लीन करना है जैसे कि लास्ट टाइम दिखाया था ऐसा आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नीचे का जितने भी की फ्रेम्स है, लाइक नीचे के जितने भी की फ्रेम्स है ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाला छोड़ के। अब यहाँ पे जो ब्रेक कनेक्शन ब्रेक है कुछ इस तरह का सिंबल होगा, इस पर हमें टैप करना है। टैप करने के बाद ये ब्रेक हो गया, यानी कि हम इसे इंडिविजुअली घुमा सकते हैं। तो अब इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे, इसको सेलेक्ट करना है और मिडिल माउस बटन से कुछ इस तरह से ऐसे उठाना है, ऐसे। सो हम आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसे सेलेक्ट करना है और ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस साइड में आप देख पा रहे हो, इस साइड में आप देख पा रहे होगे कि मैं जो माउस से क्या क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से क्या कर रहा हूँ, आप इस साइड में देख पा रहे हो। इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करके इसे ऐसे उठा लेना है मिडिल माउस से, सारे को सारे ऐसे कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें कर लेना है, और इस ग्राफ को करने के बाद कुछ ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आप डिस्टेंस वगैरह कम छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इसका जो वाई ट्रांजेक्शन एनिमेशन है ये कैसा हो रहा है, ले करता हूँ। तो यहाँ पे जो गैप है हमें इसे थोड़ा कम करना होगा। तो ये तो ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे हमें एक्स ट्रांसलेट का यूज़ करना है। तो एक्स ट्रांसलेट जो है इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें एंड तक जाना है, तो हमें लास्ट की फ्रेम पे जाना है, और यहाँ पे जो है फिर से सब मास्टर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे एस टैप करना है, एस टैप करके यहाँ पे एंड में जाके आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, लाइक कितने दूर तक ये बॉल जाएगा। तो नॉर्मली मैं नॉर्मली ऐसे ही कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ तक लेके आ जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि ये इसका एनिमेशन जो कैसे हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह का होगा। तो गाइस ये ध्यान देना है आपको, जब भी बॉल को फेंका जाता है तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है,
यानी कि डिस्टेंस जो ज़्यादा कवर करता है और धीरे धीरे एंड तक पहुँचते पहुँचते ये बॉल जो स्लो हो जाता है, तो सेम स्पीड हमको यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे जितने भी सारे फालतू के ये है ये सबको डिलीट करना है, सिर्फ इस इन दोनों को छोड़ के, यानी कि ये सारे हमें डिलीट कर देना है। ये जो भी है डिलीट, तो एक्स का जो है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे इंसर्ट की करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे और इसको यानी कि स्पीड में जाके धीरे 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 स्लो, कुछ इस तरह कुछ इस तरह। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा एनिमेशन हो रहा है। तो ये थोड़ा वो ठीक ठाक लग रहा है। अब इसको ग्राफ में कैसे बदले, तो हमें इसका सबमास्टर जो पर हम एनिमेशन किए हुए जिस कंट्रोल को सेलेक्ट करके एनिमेशन किए हुए उसको सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे एनिमेशन के पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे विजुअलाइज में जाके क्रिएट मोशन ट्रायल जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ध्यान दें आपको ये मोशन ट्रायल जो है यहाँ पे सेलेक्ट रहना चाहिए, यानी कि ऑन रहना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमने बनाया हुआ है अपने एनिमेशन के थ्रू, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे गया फिर ऊपर से नीचे और यहाँ इसका हाइट जो है ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे हाइट इसका मतलब ऊपर तक जो कम कर सकते हैं कुछ इस तरह। आप चाहे तो डायरेक्ट आप मोशन ट्रेल को सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आप एनिमेशन को बदल सकते हो, तो ये कुछ इस तरह का है। सो गाइज ये जो एनिमेशन है मुझे परफेक्ट लग रहा है। सो इस परफेक्ट एनिमेशन के बाद हमें हमारा एक्स भी हो गया वाई भी हो गया है, बचा है रोटेशन। तो रोटेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किस साइड से घूमने वाला है। सो ये जो है हम सिर्फ एक पॉइंट से घुमाएंगे, सो ये बेसिकली आई थिंक जेड है। तो जेड एक्सेस में हम इसे रोटेशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम फिर से एस टैप करेंगे और यहाँ पे सिस्टम में जाके फिर थोड़ा इसको ऐसे घुमा दें और घुमाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जेड एक्सेस और ये जो एक्स्ट्रा रोटेशन है इसको हम डिलीट कर देंगे, बचा हम सिर्फ। तो हमने एनिमेशन जिस जिस पे किया है सिर्फ वही रखना है, जैसे कि एक्स वाई और जेड रोटेशन। सो यहाँ पे जेड रोटेशन को हम यहाँ पे रखें और यहाँ पे हम जो है फिर से जैसे कि हमने एक्स के साथ किया था सेम ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा इसका रोटेशन हो रहा। तो ऐसे आप ग्राफ को एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हमें यहाँ पे क्लीन करना है इसको रिमूव करना है ताकि ये जो ग्राफ है एकदम नीट एंड क्लीन लगे। तो ये चीज़ में भी आपको बार बार करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी है इसको हम ज़ीरो कर देंगे, कम्प्लीटली ज़ीरो। तो ये सब एक साथ हो गया, तो मे बी इट्स डन आई थिंक। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, बॉल गिरते 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 एक स्लाइड होता है, तो वो स्लाइड को भी हम मेंटेन करेंगे। सो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन हमने कर दिया। सो गाइज आई होप आपको ये जो समझ में आ गया होगा ग्राफ का फंडा और रोटेशन हमने क्या क्या यूज़ किया, ट्रांसलेट वाई ट्रांसलेट एक्स और रोटेशन जेड से ही हमने सिर्फ इतना कुछ बना दिया। और ये विदाउट स्क्वाश एंड स्ट्रेच से है,
विदाउट स्क्वाश एंड स्ट्रेच से भी हम बॉल एनिमेशन कर सकते हैं गाइस। स्क्वाश एंड स्ट्रेच का अलग फंडा होता है, तो ये स्क्वाश एंड स्ट्रेच का जो एनिमेशन होता है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जस्ट अगले वीडियो में, जिसमें स्क्वाश एंड स्ट्रेच का जो प्रिंसिपल है यूज होके बॉल एनिमेशन होता है। सेम यही रहेगा, ये भी जो भी प्रोसेस सेम वही रहेगा, और कुछ कुछ मिडिल फ्रेम पे जस्ट स्क्वाश एंड स्ट्रेच रहेंगे और कुछ नहीं। सो ये बेसिक फंडा होता है बॉल एनिमेशन का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो मैं अभी यहाँ पे प्ले ब्लास्ट कर ले रहा हूँ, इसको मोशन ट्रेल को ऑफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल्स को भी ऑफ करके कि ये एक्चुअल में हमने कैसा वाला एनिमेशन बनाया। तो ये प्ले कर रहा था, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन हमने कर लिया हुआ है। और गाइज ऐसा ही एनिमेशन करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। और गाइज अगर ये वीडियो और आने वाले बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, और गाइज प्रीवियस वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ थम्स अप और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी एनिमेशन के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फटाफट रिप्लाई देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।